इतना मुश्किल क्यों है? लड़कियों लड़कियों उठो 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 जल्दी करो। क्या लड़कियों कैसे सो गए? हम तो कहीं गए ही नहीं। हम फिर से इस बकवास कार में ही हैं। लड़कियों उठो। क्या ये किसी बुरे सपने की तरह है। मेरे पूरे पैर सूज गए। सर्विस स्टेशन पर उन्होंने मदद नहीं की, हमें मिला ही नहीं कोई सर्विस स्टेशन। क्या लड़कियों, मम्मी पापा, क्या वो लोग मुझे ढूंढ नहीं रहे होंगे? कौन ढूंढेगा, उन्हें तो ये लगा होगा कि ये लोग मुकाबला करने के लिए गए हुए हैं, है ना? लड़कियों रोना बंद करो। नास्त्या, नास्त्या कहाँ है? लड़कियों नास्त्या, तो लड़कियों याद करते हैं, कल हम सर्विस स्टेशन गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन हमें एक भी नहीं मिला, तो हम वापस आ गए थे। उसके बाद नास्त्या डायना के साथ थी, है ना? हाँ, मैं पीछे बैठी थी और नास्त्या मेरे हाथ पर बैठी थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा सूटकेस था। लड़कियों तुम सब एक साथ क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की उलझन है? हम कहीं बीच में फंसे हुए, हमारे पास संपर्क करने का कोई माध्यम नहीं है, और तुम लोग बकवास कर रहे हो। हमारे पास खाने का भी सामान नहीं है कुछ भी। बाहर जाते हैं लड़कियों, नास्त्या का जवाब नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर नहीं है कहीं भी। लड़कियों मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे अब भी खाना खाना है, बस अब भी खाना खाना है मुझे। ना वैसे मुझे माफ करना, ये कोई कैंप नहीं है, यहाँ कोई कैफे रेस्टोरेंट कुछ नहीं है, और हम बहुत भूखे हैं। तुम्हें पता है क्या लड़कियों, मैं कभी भी घर से खाली हाथ नहीं निकलती हूँ, मैं हमेशा कुछ न कुछ लेकर निकलती हूँ। मेरा सूटकेस कहाँ है? अपना सामान बांधो, सूटकेस उठाओ, आज तुम इस कमरे से बाहर जा रही हो, समझ गई? किधर लड़कियों? गीगी क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम चीयरलीडर्स के कमरे में जाने से क्यों डर रही हो? लड़कियों क्या तुम सीरियस हो? चीयरलीडर्स के कमरे में तुम मेरे साथ ऐसे नहीं रह सकती, ऐसा क्यों कर रही हो? गीगी चीयरलीडर्स जा चुकी हैं, कोई चीयरलीडर्स नहीं है, दो कमरे खाली हैं, आन्या और मैं यहाँ रहेंगे और तुम वहाँ अकेली बड़ी सी बिस्तर पे। हाँ लड़कियों वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? किस लिए? मुझसे इतना प्यार करती हो? ये अच्छी बात है कि कोई चीयर लीडर्स नहीं है, अब कैंप पर हमारा कंट्रोल रहेगा। तो चले देखने। हाँ चलो देखते हैं। ए सुनो कमरे, गुड बाय, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ जहाँ पे बहुत बड़ा बिस्तर है, और वैसे सुनो वहाँ पर बहुत ज्यादा आराम भी है, मैं वहाँ मजे से रहूँगी। बाय बाय। डायना क्या है ये? ये तुम्हारी गाड़ी है और तुम्हें पता नहीं? लायला मुझे माफ करना, ये कोई सर्विस स्टेशन नहीं है, मुझे कार के बारे में नहीं पता। लायला तुम्हारे से स्मेल आ रही है। माफ करना डायना, तुम्हारी भी। तुम तो ऐसे बोल रही हो लायला जैसे कि यहाँ पे मैं अपने दांत साफ करती बैठू। हाँ मम्मी शुक्रिया ऐसे खाने के लिए, इससे बहुत मदद मिल जाएगी मुझे। ये वाला सूटकेस देखो, ये यहाँ रखो। लड़कियों देखो ये नास्त्या का सूटकेस है, वो यहीं कहीं है, वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं पर है, मुझे पता है। आए, मेरे जूते पे कोई चढ़ गया है, देखो ये कितना गंदा हो गया है। किसी के पास वाइप्स है क्या? इसे मैं पोंछ दूँ? हाँ किसी के पास है कुछ क्या? और नास्त्या का बैग यहीं पर है। नहीं लड़कियों ये बुरी बात है, ये सूटकेस यहीं पर है, अगर वो चली जाती तो अपना सूटकेस लेकर जाती, तो क्या उसे कोई किडनैप करके ले गया है? ओ मेरे पास पसंदीदा सॉसेजेस हैं। तो लड़कियों मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम लोग गाड़ी का क्लनर साफ करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकने वाली हूँ। ओफो यहाँ पे कल भी नेटवर्क नहीं था और आज भी नेटवर्क नहीं है। सुनो लायला हमें जाकर सर्विस स्टेशन ढूंढना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? डायना मैं फिर से खेतों की तरफ ढूंढने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हमें यहाँ पर हमेशा के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि यहाँ से कैंप कैसे जाते हैं, तुम्हें पता है ना? याना सॉसेजेस बांटो। नहीं लड़कियों वैसे तुमने कल मुझे क्या कहा था कि सॉसेजेस मत लेके जाओ, पूरे कार में बदबू आएगी, और अब देखो मैं यही काम दे रहा है मुझे। हाँ है ना? देखो ठीक है याना, ठीक है। दोस्तों क्या तुम बकवास कर रहे हो, ये कैंप में कोई मच्छी बाजार नहीं। हाँ लेकिन इससे निपटना पड़ेगा। लीडर्स मुकाबले के लिए चली गई है और यहाँ बहस शुरू हो गई है। हाय लड़कों। हाँ तो लड़कों तुम लोग यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो पूरे कैंप में? तो किससे शिकायत करूँ, हम इस कमरे में नहीं रह सकते हैं, समझी तुम? हाँ ये बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है, ये पूरे दिन नहीं सो सके हैं। हमें बिस्तर में लेटने नहीं दिया,
वो पूरा दिन सोते रहते हैं। लूजर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बास्केटबॉल प्लेयर से निपट नहीं पा रहे हो क्या? क्या तुम हमसे मदद मांग रहे हो? हाँ, ये बिल्कुल भी सहने वाली बात नहीं है। हम पूरे एक दिन नहीं सोए हैं, तुम्हें पता है ना? हाँ, हम दूसरी जगह पे रहना चाहते हैं। उन्हें समझाओ वो हमारे कमरे में ना रहे, समझे ना तुम? बिना चीयरलीडर्स के हालत बदतर है यहाँ पे। हाँ, सब कुछ उलझा हुआ है। लड़कों, ये तुम क्या बात कर रहे हो? चीयरलीडर्स के बिना शानदार है सब। अब से इंचार्ज हम ही है, हम ही सब कुछ ठीक करेंगे, समझ गए? ये बास्केटबॉल प्लेयर्स किधर है? सोए हैं। ला 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 ला। लड़कों, हेलो, नए कमरे में चलो। चलो, नए कमरे में जाना है। हम अब उन्हें उठाएंगे। हे भगवान, तो आज मैं डायना की अलमारी देखूंगी, उसके पुराने चीयरलीडर्स वाले कपड़े ढूंढूंगी, उन्हें पहनूंगी, बहुत सारी सेल्फीज लूंगी। हे भगवान, मजा आ जाएगा मुझे बहुत। हो गिगी, अब तुम चीयरलीडर्स वाली जिंदगी जीने वाली हो, मुबारक हो। बास्केटबॉलर्स, तुम लोग कब तक यहाँ सोओगे? हाँ, अब समय आ गया है उठने का, जैसा कि पहले भी था। और वैसे भी ये बिस्तर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हाँ, हाँ, ये देखो, सबका ये पूरे 24 घंटे से सो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बास्केटबॉल प्लेयर्स, उठो। वो देखो मुझे कैसे गुस्सा दिलाते, उठ जाओ। लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें उठा दोगी? हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं उठे। हमने इन पे पानी भी डाल दिया है। किसी काम का नहीं है, मैं चिल्ला चुका हूँ, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे बास्केटबॉलर्स, और ये रहे दो बास्केटबॉल प्लेयर्स। स्माइल कहाँ है? कल क्लब से यही दोनों वापस आए, स्माइल अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों वापस नहीं आया। माफ करना दोस्तों, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई ताकत नहीं है। फिर भी हम किसी तरह पता लगा लेंगे, उठाओ उन्हें अभी। हे लड़कियों, ऐसे नहीं जा सकती, तुमने कहा कि तुम इंचार्ज हो यहाँ की। चलो तय करते हैं, अगले दिन जमीन पे सोने का इरादा हमारा बिल्कुल भी नहीं है, समझी? इरादा बनाना भी मत। कैंप में सबसे ज्यादा जरूरी आदमी बनना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये सब संभाल सकती हूँ। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम लड़कों को चीयरलीडर्स के कमरे में भेज सकती हो, वहाँ पे बहुत बड़ा सा बेड है, ठीक है ना? एक तरकीब है, कोई भी चीयरलीडर्स नहीं है, चीयरलीडर के कमरे में चले जाओ तुम लोग। प्रोस, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? ठीक है याना, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने देर तक ये खाती हो, और खाते खाते तुम्हारे मुंह कब तक सूखता है, और तब मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी, समझ गई ना तुम? जायना, क्या तुम मुझे दोगी? ये लो, समझ लो हमारे पास थोड़ा सा ही है। लड़कियों, वैसे यहाँ पे सॉसेजेस भी है, तुम खा सकती हो, लेकिन मेरे लिए कुछ पानी छोड़ दो, मुझे प्यास लगी है। असल में मैं नफरत करती हूँ सॉसेजेस से, वैसे भी मैं मीट नहीं खाती हूँ, लेकिन आज हालत खराब है मेरी, क्या करूँ? ये लो याना, पानी लो। ओफो, ऐसे सैंडविच कैसे खाती हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता, पागल तुम नहीं खाओगी? ओफो गिकी, तुम पैदाइशी चीयरलीडर हो, अब सारे दोस्त हैरान हो जाएंगे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और एक चीयरलीडर सब कुछ संभालने के लिए। शानदार, हम लोगों को एक नई जगह मिल गई। चलो अब हम बड़े कमरे में रहेंगे गुलाबी द्वार के साथ, बस यही रास्ता है दोस्तों इस कमरे में से बाहर जाने के लिए। आओ चलो चलते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा बिस्तर बड़ा हो बस। क्या ये क्या? ओफो लड़कों, अंदर मत आओ, असल में मैं चीयरलीडर हूँ, और लड़कियों के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए नहीं आना चाहिए, पागल हो। ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हम यहाँ रहेंगे? इसको यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। हे, मेरी गिग्गी के साथ आराम से पेश आओ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बाहर निकलो यहाँ से, असल में सबसे ज्यादा जरूरी लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, आन्या और नूपा ने। देखो ये रहा मेरा सूटकेस, निकल जाओ तुम यहाँ से। हे गिगी, चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह रहूंगा, तुम भी दूसरी जगह रहोगी। अब हम भी यहाँ पे रहेंगे, इसलिए हमें अपना स्विमिंग ट्रैक ठीक करने दो, समझी ना तुम? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मैं वहाँ पे गद्दा फेंकूंगा और वहीं रहूंगा। अब तुम वहाँ, मैं नहीं रहूंगा। लड़कों, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, गिगी इस पूरे बिस्तर पर अकेली सोने वाली है, समझ गए तुम लोग? अकेली। तो मुफ्त की अलमारी खरीदी है यहाँ पे? गिगी, तुम मेरी चीयर लीडर हो, हम साथ में रहेंगे। हाँ पात्रिक, मैं ही हूँ चीयर लीडर। मुझे हमेशा से पता था तुम सबसे बेहतर हो। पात्रिक, लेकिन तुम यहाँ रात गुजारने वाले हो, है ना? ये मेरी नई चप्पल है। तो लड़कियों, इस बदसूरत चीज को यहाँ से हटाओ, हमारे मोजे यहाँ पर सूखेंगे, यहीं पे, बहुत अच्छी जगह है ये। हाँ तो लड़कियों, चलो अब कुछ खाते हैं और खुद को फ्रेश करते हैं, ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मुँह से बदबू आ रही है क्या? हाँ बताओ। जायना, बिल्कुल सही कहा तुमने, हम में से ही बदबू आ रही है, हम पूरी रात यहाँ रहे। लड़कियों, और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बास्केटबॉलर हमें ढूंढ रहे होंगे क्या? और हम उस जगह पर हैं जहाँ पर हमें कोई ढूंढ भी नहीं सकता है, कभी भी नहीं ढूंढ सकता। क्या तुम्हें पता है लड़कियों, अब हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास जो भी था हमने उसकी इज्जत नहीं की। मुझे उन लूजर्स की, बास्केटबॉलर्स की और कैंप की बहुत याद आ रही है। मुझे भी कैंप याद आती है। हाँ तो लड़कियों सुनो, मैं सोच रही हूँ कि सूटकेस पैक करके और हम यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है ना? और इस कार का क्या करना है? हम धक्का मारेंगे, ठीक है जायना?
दरवाजा मत बंद करो, ये देखो नास्ते के सूटकेस। रुको डायना, ऐसा मत करो, अगर नास्तिया वापस आ गई तो हम उसे क्या जवाब देंगे? ये सही बात है, अगर वो वापस आ गई और कोई सूटकेस नहीं रहा लेकिन उसे रास्ते के लिए जरूरत पड़ेगी तो डायना इसे यहीं छोड़ दो। हाँ चलो चलो ठीक है नास्तिया, हम जा रहे हैं उधर। डायना तुम धक्का लगाओ, जल्दी आओ। हाँ ठीक है चलो, मैं धक्का लगाती हूँ। बनी ताकतवर है, बनी कर दिखाएगी। चलो 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 चलो। लड़कियों कितने देर तक हम लोग ऐसे धक्का लगाते रहेंगे? हाँ बताओ मुझे, हाँ मुझे कैसे बताऊँ मैं? हाँ मैं तो थक गई हूँ इसे धक्का मारते मारते, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ ये सही तरीका है। अरे रुको, अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रुको, अरे रुको, अरे कोई रुको उसे, अरे ये क्या हो रहा है? कोई रुको, अपने प्यारे कार के साथ निकले थे, अब क्या होगा? आप प्यारा नहीं है ये। लड़कियों सुनो, अपने आंसू पोंछ लो, हमारे सारे सामान और सूटकेस उसी में है, हमारा मेकअप बॉक्स भी उसी के अंदर है, अब हाँ मेरा भी। तो लड़कियों साइड साइड चलो, हम घर तक अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं कैंप से जल्दी जाना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं भी जाना चाहती हूँ। लड़कियों चलो। लड़कियों मुझे यकीन है कि वो हमारा कैंप में पहले से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ सच कह रही हूँ मैं, हमारा वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ उन्होंने पहले ही हमारे लिए बेडरूम साफ कर दिया होगा और खाना बना के रखा होगा। बनी ताकतवर है, बनी जा सकती है, बनी चलो। मैं क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं सो गया था ब्राउस। ओफो, कौन मुझे याद कर रहा है? ब्राउस क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? सांसें लेना बंद करो अब, बस भी हो गया अब। स्माइल किधर है? ब्राउस स्माइल कमरे में नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं कल रात वो क्लब में ही रुका था बर्तन धोने के लिए? हाँ यकीनन उसने महंगा खाना ऑर्डर किया होगा और वो उसके पैसे नहीं दे पाया होगा। ब्राउस की स्लॉट नहीं ओयस्टर, मैं उन्हें पचा भी नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ स्माइल की किस्मत खराब है। ओफो हमारी चेयर लीडर्स किधर है? उन्होंने हमें उठाया क्यों नहीं? वो अपने मुकाबले में ही है जैसे बिल्कुल कि पहले। उन्होंने हमें छोड़ दिया और वो मुकाबले के लिए चली गई। ब्राउस मुझे कोई मतलब नहीं है, लाइला क्या कर रही है वहाँ पे? अगर चेयर लीडर्स रहेगी तो डायना पैसा देगी और स्माइल भी हमारे साथ रह पाएगा, समझ गए ना तुम? अब कोई चेयर लीडर नहीं होगी इस कैंप में। वो मुकाबले के लिए गई और संपर्क भी नहीं किया हमसे। जैसा कि लगता है कि उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर शायद उनके बॉयफ्रेंड्स बन गए हो। तुम क्या देख रहे हो? मैं सही कह रही हूँ, समझ गए ना तुम? हाँ और अब इस कैंप का चार्ज लेते हैं हम। देखो जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम यहाँ की इंचार्ज हो तो फिर तुम ही। हाँ गोस्तिया सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं कहूँगी। सुनो दोस्तों मैं घोषणा करूँगी कि हम नए बच्चों का इंतजार करेंगे, मजा आएगा ना? ओ कम से कम कुछ तो होगा। कहाँ गए अब तुम लोग? बास्केटबॉल। क्या देख रहे हो तुम? हम खाना कब खाएंगे? क्या स्माइल वापिस आ गया? हम तुम्हारे स्माइल का पीछा नहीं कर रहे। वैसे चीयरलीडर से बात नहीं हुई है, क्या तुम उन्हें कॉल कर सकती हो? हाँ बताना जरा मुझे। कोई चीयरलीडर नहीं है, हम उनके बिना ही खुश हैं। स्वादिष्ट खाना, मुझे स्मेल आ रही है स्वादिष्ट खाने की, हम घर पहुँचने वाले हैं अभी। हाँ स्वादिष्ट खाना, हम घर आ गए हैं। हाँ पहुँचने वाले हैं। बास्केटबॉल प्लेयर सब लोग इधर हैं। आओ तुम लोग। सब लोग कहाँ हैं? हाँ देखो बास्केटबॉल प्लेयर्स कहाँ हैं? क्या उन्हें हमसे मिलना नहीं है? बास्केटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स कहाँ हो? लूजर्स, लूजर्स कहाँ हो? और तो और आज से इस कैंप का मेनू भी बदल रहा है, पिज्जा डम्पलिंग्स चेरीज के साथ। क्या तुम्हें पसंद है दोस्तों? हाँ हमें पसंद है। रुक जाओ दोस्तों, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करना। हाँ चीयरलीडर्स, लेकिन ये लोग इतने गंदे क्यों हैं? हाँ बास्केटबॉल प्लेयर्स, लूजर्स। और तुम लोगों का मुकाबला खत्म हो गया? ओफो मैंने अभी खुद को पिज्जा खाते हुए सोचा था। लूजर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, लूजर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स। कहाँ थे तुम लोग? पानी। डायना क्या हो गया है तुम्हें? मैं बातें बताऊंगी। लड़कियों क्या हुआ है तुम्हारे साथ? डायना तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नए एपिसोड का इंतजार करें, तब तक के लिए बाय सभी को।